राधा जैसे कहती थी तुम वैसे ही मीठी मीठी बातें करते हो, परंतु मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि तुमने मेरी बहन को दुखी किया है, उसे रुलाया है, और इसका दंड तो तुम्हें मिलता ही रहेगा। ये जयदेव दाऊ, आप सच कह रहे हैं, मैंने भूल की है, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए, इसलिए मैं आपसे बस ग्वाले। क्षमा तो भूल कर भी मत मांगना। और दाऊ, ये ग्वाला चाहे कितने भी क्षमा मांगे, इसे क्षमा मत करना, क्योंकि ये ऐसे ही क्षमा मांगकर हर बार बच जाता है। तुम चिंता मत करो बहना, अब तुम्हारा भाई आ गया है, अब ये ग्वाला अवश्य दंड पाएगा। जयदेव दाऊ, आप सत्य कह रहे हैं, मुझे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, किंतु क्या आपने सोचा है कि मुझे क्या दंड मिलना चाहिए? मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए। जयदेव दाऊ, आप इतना मत सोचिए, क्योंकि इसका निर्णय मैं, बलराम दाऊ या आप नहीं कर सकेंगे, इसका निर्णय तो केवल गोपी ही कर पाएगी, क्योंकि जिसके साथ अन्याय हुआ है वही ये निर्णय कर सकता है ना, है ना गोपी? मैं सत्य कह रहा हूँ ना? हाँ, हाँ, कह तो तुम सत्य रहे हो, क्योंकि हमसे उचित दंड तो तुम्हें कोई दे नहीं सकता। बहना, तो ये बताओ कान्हा को क्या दंड दिया जाए? ताऊ, ये तो हमने भी नहीं सोचा, लेकिन इस ग्वाले को ऐसा दंड देना चाहिए जिससे ये सदा के लिए सुधर जाए। हाँ। गोपी, फिर तुम सोचो और ऐसा सोचो कि जीवन में कभी भी मैं तुम्हें छल करने का प्रयास न कर सकूं। तब तक मैं और दाऊ आते हैं। हाँ, 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 हम लोग आते हैं बस, चलो कान्हा। हाँ, हम लोग आते हैं, चलो कान्हा, चलो चलो, आइए आइए दाऊ। क्या दंड दूँ इस ग्वाले को? गुरुदेव, ये करकासुर कौन है? संसार के सभी असुरों को पराजित करके मैंने उन्हें अपने अधीन कर लिया है, उनसे मित्रता की है, तो ये करकासुर, इसका नाम तो कभी नहीं सुना, ये कहां से आया? वो इसलिए कि संसार में करकासुर है ही नहीं। है ही नहीं? किंतु अभी तो आपने कहा कि करकासुर विष्णु के उस कुर्म अवतार का अंत करेगा। यदि करकासुर है ही नहीं तो वो अंत की वो इसलिए कंस, इस संसार में जितने भी कर्क हैं वो सभी करकासुर के अंश हैं। तो आपके कहने का अर्थ ये है कि कर्क जो जल में घूमते रहते हैं, जिन्हें कोई भी बालक मार सकता है, वो कर्क उस विष्णु कैसे? हाँ कंस, वही कर्क विष्णु का अंत करेगा। कैसा परिहास है ये, कैसी पहेली है, एक साधारण कर्क उसके कुरुम अवतार का अंत करेगा, कैसे संभव होगा ये? इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कंस, इन कर्कों का जन्म कैसे हुआ, इसके जन्म का संबंध राहु से है। राहु के जन्म से? मेरा मित्र है राहु, उसने मुझे कभी नहीं बताया, उसके जन्म से क्या संबंध हो सकता है किसी कर्क का? ये तब की बात है कंस, जब समुद्र मंथन से निकले अमृत को विष्णु मोहिनी रूप में देवताओं को बांट रहा था, तभी देव रूप में असुर राहु ने अमृत पान कर लिया था। विजय हो गया, विजय हो गया, विजय हो गया, विजय हो गया।
अब मैं अमर हो जाऊंगा, अमृत मिल गया मुझे। जब विष्णु को इस बात का पता चला, उसके छल का पता चला, तब विष्णु उसकी हत्या करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, राहु वहां से भाग निकला। गोपी तो क्या निर्णय लिया आप लोगों ने मुझे दंड देने का? ग्वाले, हम तुम्हें ऐसा दंड देने वाले हैं, ऐसा दंड देने वाले हैं कि तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। गोपी पहले दंड तो बताओ। मैं बताता हूँ दंड कान्हा। लाओ ये मुरली मुझे दे दो। मेरी बांसुरी। मैंने सुना है कि इस मुरली में तुम्हारे प्राण बसते हैं और इसी में सबको मोहने की शक्ति भी है। तो ठीक है, आज मैं तुम्हारी इस मुरली के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दर्शन दे दो कड़े का सुर जी, कहाँ छुपे हो कड़े का सुर जी, मथुरा के तुम रक्षक हो जी, कुर्म अवतार के भक्षक हो जी, भक्षक हो जी, दर्शन दे दो, सुन लो मेरी ताल और सुर जी, सम्मुख आओ कड़कासुर जी, दर्शन दे दो कड़कासुर। अरे अरे मिल गो कड़कासुर मिल गो। ये तो साधारण से कैकड़ो है, वो सवर्ण नाग को कैकड़ो दिखाई ना दे रो भगवान है। हमें किसी भी प्रकार उस स्वर्ण कर्क को ढूंढना है भद्राक्ष, क्योंकि वही हमारी अंतिम आशा है जो उस कुर्म अवतार का अंत कर सकती है। अरे कुर्म अवतार से पहले मैं समाप्त हो जाऊंगा। वैसे भगवान कोई मंत्र अंतर है? ओम केकड़ा नमः जैसो काहे मैं बोल दूं भगवान केकड़ा सुर बाहर आ जाए, काहे कि समय की बर्बादी है रही है, ऊपर से धूप भी पड़ रही है, मैं यहाँ खड़ो खड़ो तप रहा हूँ। कोई ठीक है भगवान, दर्शन दे दो जी, दर्शन दे दो कड़कासुर जी, कहाँ छुपे हो कड़कासुर जी, मथुरा के तुम रक्षक हो जी। भगवान है भगवान, मैं हार गो, मेरे से नहीं हरो भगवान। अरे आप ही कछु कर दो भगवान, केकड़ा सुर मैं से बाहर ना आ रो, मैं थक गो भगवान, कछु कर दो भगवान, कछु कर दो। भगवान जय प्रेत की जीवन लीला समाप्त कर देंगे केकड़े, सबके तुम्हें वो खा रहे हैं। कुर्म अवतार से पहले मेरो अंत ही जागो भगवान। अरे देखो कैसे गुस्से में देख रहे आके फाड़ फाड़ के। इतने सारे कर्क एक साथ अचानक अचानक कहां से आ गए भगवान? वैसे ये हमको यहाँ देख के अधिक प्रसन्न नहीं दिख रहे। बड़ी बात ये है,
ये किसी के नियंत्रण में है, कोई इन्हें आदेश दे रहा है, दिशा दे रहा है। दिशा, आदेश, जागो अर्थ का है भगवान। इसका अर्थ ये है कि वो स्वर्ण कर्क यहीं कहीं है, स्वर्ण कर्क ही है जो इन्हें आदेश दे सकता है, पर वो है कहां? समझ में नहीं आ रहा है इस जोंगी पर्वत की सच्चाई मैं सबके सामने कैसे लाऊं? परम अवतार श्री कृष्ण, इस बार तुम्हारी माया धरी की धरी रह जाएगी। पूरा ब्रजमंडल मुझे विष्णु का अवतार समझकर मेरी पूजा करेगा और मैं उनका सर्वनाश करूंगा। तुम्हारे भक्तों का सर्वनाश तुम्हारे ही सम्मुख होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे विष्णु के परम अवतार। नंद रानी ने कहा है कि हम सब मिलकर पर्वत देव की पूजा की सारी तैयारियां कर लेते हैं, तब तक वो शेष गांव वालों को लेकर यहाँ पहुँचती होंगी, उसके बाद ही पूजा शुरू होगी। ये भी उचित है, पर्वत राज की पूजा है, इतना समय तो लगेगा ही। ठहरे वो भी हो। कोई पूजा करने नहीं जाएगा। जयदेव, तुम जानते भी हो किसी को पूजा करने से रोकना बहुत बड़ा अधर्म होता है। अधर्म तो तुम सब कर रहे हो गोपियों, उस पर्वत की पूजा करके। जयदेव, हम पर्वत देव की पूजा करने अवश्य जाएंगे और हम भी देखते हैं कि तुम हमें कैसे रोकते हो। कोई नहीं जाएगा। मुझे क्षमा करना गोपियों, किंतु अपनी मुद्गल को शक्तिशाली बनाने के लिए मुझे धर्म का कार्य करना ही होगा। सालों से मैं गुरुकुल में मुद्गल चलाने की शिक्षा ले रहा था। आप लोग चाहे मेरी बात माने ना माने, किंतु ये मुद्गल मेरी पूरी बात मानता है। ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम? क्यों लोगों को पर्वत राज की पूजा करने से रोक रहे हो? मैया, वो पर्वत आसुरी है, उसकी पूजा करना अधर्म है, इसलिए मैं धर्म का कार्य कर रहा हूँ। जयदेव, किसने कहा तुमसे कि ये धर्म का कार्य है? कान्हा ने, और किसने? क्योंकि इस वृंदावन में कान्हा से अधिक धर्म को कोई नहीं समझता। ये तुम क्या कह रहे हो जयदेव? कान्हा भला तुमसे ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि धर्म का ये कार्य करने से मेरे मुद्दल में शक्ति आ जाएगी। और ये तुमसे किसने कहा? आना ने, और किसने? देखा नंदरानी, अपने लल्ला का कार्य जो कार्य वह स्वयं नहीं कर पाया वह जयदेव से करवा रहा है। दाऊ, हमने आपसे कहा था ना कि आप उस ग्वाले की बातों में मत आइएगा, वो सदा दूसरों के साथ छेड़ करता है। हा? और आप भी उसी के प्रभाव में आ ही गए। हाँ राधा, मैं तो उसे दंड देने गया था। तो समझ नहीं आ रहा कि मैंने कब तुम्हारे कान्हा की बात स्वीकार कर ली। क्या हुआ गोपी, सब लोग इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? लल्ला, मैंने सदैव तेरी गलतियों को क्षमा किया है, किंतु तेरी इस गलती को कदापि क्षमा नहीं करूंगी। मैं आप किस फूल की बात कर रही हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। लल्ला, जयदेव ने हमें सब बता दिया है। यदि तुझे पर्वतराज की पूजा नहीं करनी तो तू मत कर, किंतु बाकियों से ये अधिकार क्यों छीन रहा है? मैया, मैंने किसी का अधिकार नहीं छीना, अभी तो मैं तो सबको सत्य बता रहा हूँ। लल्ला, तुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सबको सत्य का पूरा पता है और तेरी भलाई इसी में है कि तू इसी वक्त घर चला जा, अन्यथा मैं तुझसे कदापि बात नहीं करूंगी।
और आप सब भी चलिए, पूजा के लिए विलंब हो रही है। ग्वाले, आज तुमने सबके सम्मुख हमारे जयदेव दाव का अपमान करवाया है। आज के पश्चात हम भी तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। चलो दाव। गोपी, गोपी ठहरो गोपी। मंदराचल, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, किंतु अब बीते हुए युग और बीते हुए समय को पुनः तो नहीं लाया जा सकता, इसलिए अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। परम अवतार, अब मेरी सहायता करने के लिए मेरे साथ असुरराज कंस हैं। अब मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं, युगों से मैं तुम्हारी लीलाएं देखते आया हूँ। मेरे युग शत्रु, अब तुम मेरी लीलाएं देखो। मंदराचल पर्वत, एक बार पुनः विचार कर लो, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ। जो तुम चाहते हो वो तुम धर्म के मार्ग पर चलकर भी पा सकते हो। तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपने लोगों की चिंता करो, क्योंकि अब तुम चाहकर भी उनकी रक्षा नहीं कर पाओगे। ठीक है मंदराचल पर्वत, किंतु एक बात याद रखना, यदि तुम हम वृंदावन वासियों का अहित करने यहाँ आए हो तो ये विचार अब मन से त्याग दो, क्योंकि धर्म का इतना कभी हुआ है ना होगा। परम अवतार, मैं नहीं जानता कि ये अहित है या हित, मैं केवल इतना जानता हूँ कि जो मैं यहाँ करने आया हूँ वो मैं करके रहूंगा, और उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। बचाओ! बचाओ! कोई है? राधा, भैया हूँ। भैया, मुझे यहाँ से निकालो! शांत हो जाओ बालक, शांत। कौन हो तुम? क्या तुमने मुझे बंदी बनाया है? क्यों बनाया है बंदी मुझे? मैं तुम्हारा क्या हित किया है? तुम चाहते थे ना कि तुम्हारी मुद्गल शक्तिशाली हो जाए। हाँ, किंतु ये तुम्हें कैसे पता? बस इतना जान लो कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारी मुद्गल कम से कम तुमसे शक्तिशाली तो हो ही जाएगी। धीरता, तनिक प्रतीक्षा करो, क्योंकि मैं तुम सब ब्रिजवासियों को एक साथ मारना चाहता हूँ। बस थोड़ी प्रतीक्षा करो मदरांचल भक्त। शक्ति रूपांतरित हो रही है। हे नकारात्मक शक्तियों,
आप सभी का स्वागत है। विष्णु के कुरु अवतार का अंत करने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है, इसलिए मैंने आप सबका आह्वान किया है। अब आप सबको इस दर की काया में प्रवेश करना है। नहीं गुरुदेव, ये संभव नहीं है। कान्हा, तुम ये क्या कर रहे हो? हम जयदेव को ढूंढने निकले हैं और तुम यहाँ विश्राम करने लगे। दाऊ, जयदेव दाऊ को ढूंढने से पहले एक बार मैं ध्यान लगा कर उनका आभास करना चाहता हूँ कि वो है कहाँ। किंतु कान्हा, जयदेव का आभास होगा कैसे? दाऊ, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के द्वारा बोली गई एक ध्वनि एक ऊर्जा होती है, और यदि हमारी ऊर्जा पवित्र है तो हम इस संसार की किसी भी ऊर्जा का पता लगा सकते हैं, जो की ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, वो सदा ब्रह्मांड में विद्यमान रहती है। कान्हा, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, बस मुझे इतना बता दो कि जयदेव है कहाँ। ठीक है दाऊ, मैं बताता हूँ, किंतु अब मैं जो कहूँगा आपको वही करना होगा। ठीक है कान्हा। ठीक है दाऊ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मुझे जयदेव दाऊ का सर सुनाई दे रहा है, मुझे उनके कहे शब्द भी सुनाई दे रहे हैं। दाऊ, मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए, आप यहाँ से सीधे उत्तर दिशा की ओर जाइए। ठीक है कान्हा। जयदेव, 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 जयदेव। जयदेव, जयदेव। अरे अरे दाऊ, उस ओर नहीं, दूसरी ओर। अरे वहां नहीं, यहाँ। अरे अरे दाऊ, आप पूर्व दक्षिण की ओर क्यों जा रहे हैं? जयदेव दाऊ का स्वर आपके उत्तर पश्चिम से आ रहा है। दाऊ, आप फिर गलत जा रहे हैं। कान्हा, पहले निर्णय कर लो फिर मुझे बताओ। पहले कहते हो दाऊ दाऊ आप उत्तर की ओर जाइए, दाऊ दाऊ आप पश्चिम की ओर जाइए। अरे अब मुझे क्या पता कि मुझे किस दिशा की ओर जाना है। दाऊ, अब बस आप अपने सीधे दिशा में जाइए। ठीक है कान्हा। सोने दूसरी ओर। ताऊ, आप पूर्व की ओर जाइए। जयदेव, जयदेव। ताऊ, और तीव्र, और तीव्र। ताऊ, उत्तर की ओर जाइए, उत्तर की ओर। कान्हा, बस खुद तो बैठ गए, मुझे दौड़ा रहे हो। और कितना तीव्र दौड़ू? ताऊ, आप शीघ्रता कीजिए, ध्वनि आपके सम्मुख से आ रही। अच्छा ठीक है, रुको, कहाँ जाना है? अर्थात अपने दाहिने ओर, पश्चिम में। दाऊ, आप शीघ्रता कीजिए। ठीक है। भीतर ही है।
कान्हा तुम सच कह रहे थे, जयदेव इसी मंद्रांचल पर्वत के भीतर है। इसका अर्थ था मेरा संदेश सत्य निकला, ये सब मंद्रांचल का ही किया धरा है।